नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब बहुत खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, आप सभी का मंगल हो ये कामना करता हूं। और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए मंथ ऑफ मई सजिटेरियन, सजिटेरियस राशि और सजिटेरियन के बारे में बात करूंगा और कहूंगा साथ में कि आपके लिए लेकर आया हूं फेसबुक लाइव जो हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से होगा। अगर आप लाइव मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको मेरे इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव को ज्वाइन करना होगा। हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 उस दौरान हमारी बात होगी। और इसके अलावा मंथली फॉरकास्ट तो आपको मिलती है यूट्यूब के माध्यम से। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये महीना जो शुरू होने वाला है वो किस तरह का रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करता चलूँ, क्योंकि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सारे सुख हों, अगर सेहत सही नहीं है, हेल्थी आप हेल्थी नहीं है, कुछ भी शरीर के साथ रोग लगा हुआ है, मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, तो निश्चित तौर पे जीवन जो है वो बहुत सुख सुविधाएं जो है वो बहुत क्षणिक हो जाती हैं, ऐसी स्थितियां हमारी बन जाती हैं। तो इस बार आपकी जो वैसे कहूँगा कि बृहस्पति के नक्षत्र में ही इस बार चंद्रमा संचार करेंगे विशाखा में, जब इस महीने की शुरुआत होगी। और लेकिन जिस समय शुरुआत होगी उस समय स्कॉर्पियो लगन जो है वो राइज होगा, और कहीं ना कहीं ग्रहों की और ये सौर मंडल और पृथ्वी का जो आपस में तालमेल है उसमें शुरुआत में सजिटेरियस राशि जो है वो कहीं डिसअपीयर होगी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते सजिटेरियस राशि जो है वो राशि जो है वो राइज कर जाएगी। और उस समय की जो स्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आपकी कुंडली में आपकी सेहत के बारे में अगर बात करूँ तो मंगल और शनि का आपकी राशि में, आपकी राशि से गोचर होगा, वहीं राहु अष्टम भाव में होंगे। तो ये जो स्थितियां हैं ये दिखा रही हैं कहीं ना कहीं एक टेंशन, एक चिंता जरूर बनी रहेगी, क्योंकि द्वादेश मंगल आपकी लगन में आपकी राशि से गुजर रहे हैं। लेकिन खुशनसीबी यही है कि शुरुआत में ही मंगल इस भाव को छोड़ के आपके सेकंड हाउस में जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, और खाली शनि राहु का ही एक योग जो है वो बना रह जाएगा, जो छड़ा अष्टक योग जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिसमें कुछ स्थितियाँ ऐसी होंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सेहत आपकी पहले से इम्प्रूव करेगी, यानी कि सेहत से जुड़ी हुई जो समस्याएं आप उनसे बाहर निकलेंगे, वो चाहे शारीरिक हों चाहे मानसिक हों, एक लाभ की स्थिति में कहीं ना कहीं मैं आपको पा रहा हूं जो आपके लिए अच्छा होगा। और आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आप जो डिजर्व करते हैं, आप जिसे पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप हिम्मत करके उसको पा पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बस एक्शन मस्ट बी टेकन, ये आपको ध्यान देना है, अगर ये नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अपनी हेल्थ के लिए आपको अच्छी दवाई दारू, अच्छी डाइट, हर तरीका प्रयोग आपको करना होगा जिससे लाभ की स्थिति बनेगी। अगर मैं आपके धन की बात करूं, आपके धन स्थान में केतु की स्थिति और साथ ही साथ मंगल का केतु के साथ योग आपके धन स्थान में होना, मंगल और केतु आपस में बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि दूसरे घर के यानी कि आपके एनर्जी और आपके फाइनेंस दोनों के कारक हैं, और वो दूसरे घर से पहले घर में आए, यानी कि आपको आपका फोकस कहीं ना कहीं रहेगा, और मंगल का उस तरफ जाना ये दिखा रहा है कि पास में की गई इन्वेस्टमेंट, पास में की गई एफर्ट धन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि धन आपके पास आएगा और आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये धन सीधा नहीं होता है, ये धन होता है किस तरह की इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने किसी LIC में या आपने किसी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व कर रखा था, आपने कोई कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम कर रखा था, आपने कोई कोर्ट में आपने किसी चीज़ के लिए क्लेम कर रखा, तो इस तरह के माध्यम से धन जो है आपको अचानक से मिल जाएगा। एक ये एक प्लस पॉइंट आपकी इस समय कुंडली में दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसी भाव में होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, इसको जो संबंधों का भाव भी माना जाता है, तो यहाँ पे जब मंगल केतु जाएंगे और राहु का दृष्टिपात होगा तो दिखा रहा है कि संबंधों में कहीं, पारिवारिक संबंधों में कहीं, एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं कुछ कमियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की ओर लगे रहें, कुछ लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करेंगे, षड्यंत्र रचा जाएगा, यहाँ पर आके आपको सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान जो है वो रहना होगा, अन्यथा आप किसी ऐसी स्थिति में डूब सकते हैं, ऐसी स्थिति में पड़ सकते हैं जहाँ पे आपको नुकसान हो। तो ऐसी चालबाज लोगों से, चालबाज रिश्तेदारों से आपको तो जरूर बच के रहना होगा, जो मुंह के तो मीठे हो सकते हैं लेकिन मौका मिलने पे आपको धोखा देने में एक मिनट का, एक क्षण क्षण का भी जो है वो डिले नहीं करेंगे और आपके साथ एक घटना जो है वो घट जाएगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वहीं आपके पराक्रम की बात करूँ, पराक्रम भाव जो है, अब रिश्ते हमने रिलेशनशिप को देखा, तो ये तीसरा घर जो होता है ये रिलेशनशिप का, सिबलिंग के रिलेशनशिप के साथ जुड़ा रहता है, वहाँ पे आपकी शनि की राशि है, और शनि को जब मैं देखता हूँ तो शनि का जो संबंध है
वो दिखा रहा है कि आपके ऊपर आप उनको बहुत जैसे लाभ देने की उनके प्रति कंसर्न होंगे, भाई बहनों के प्रति कंसर्न होंगे और आप उनको फायदा पहुंचाने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे निश्चित तौर पे। और आपको पता है आपके जो सारे एफर्ट जो हैं उनको फायदा देंगे, उनको जो लोग धन चाहते हैं आपसे, आप उनको धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी किसी के साथ अप्रोच है, किसी के पास आपने किसी के लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए आपने किसी के लिए बात करनी है, तो आपकी बात को सुना जाएगा, उनसे उनको लाभ होगा। यानी कि आप अपने भाई बहनों को लाभ देने के लिए तैयार हैं, आपकी डेस्टिनी तैयार है और उनसे वो लोग फाइनेंशियली हर तरह का गेन लेने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन क्योंकि साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि शनि रेट्रोग्रेड मोशन में भी है, हल्की डिले जरूर हो सकती है। फिर भी मैं कहूंगा कि आप जो एफर्ट उनके लिए बनाएंगे उसमें आपको और उनको लाभ होगा, शायद आपको कम लाभ हो, आपको सिर्फ ये लाभ हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। चलो ये एक अच्छी बात है कि अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपके सुख स्थान की बात करूँ, सुख स्थान की अगर मैं बात करूँ तो सुख स्थान में आपके जो है कुंडली में बुध नीच राशि के फोर्थ हाउस में बैठे हुए और बुध आपके सेवंथ और टेंथ हाउस के कारक भी हैं, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि माँ जो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत एक ऐसी स्थिति होती है कि माँ के रिश्ते से बढ़ के हमें कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप और माँ का संबंध कहीं रुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे कुछ तकरार की स्थिति हो सकती है, हो सकता है कि आपको अपनी माँ पर गुस्सा आए, हो सकता है माँ आप पर गुस्सा कर रही हो, कहीं ना कहीं तकरार की स्थिति बनेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि माँ की सेहत इस दौरान अच्छी रहेगी और लाभकारी रहेगी और ये संबंधों की कटुता जरूर देखने को मिलेगी, ये ज्यादा नहीं बढ़ जाए, समय रहते इसको संभाल लेने में लाभ होगा। और मैं कहता हूँ कि कई बार चुप कर जाना सबसे अच्छा उपाय जो है वो माना जाता है, तो इस चीज का आपने ध्यान देना। अगर मैं आपके बच्चों की बात करूँ, बच्चों में उच्च के सूर्य, सूर्य उच्च के होकर आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और आपके भाग्येश भी हैं, एक त्रिकोण का मालिक दूसरी त्रिकोण में आके बैठ गया, तो ये दिखा रहा है कि जो लोग बच्चों की कामना किए हुए हैं, बच्चे नहीं हैं उनके लिए रास्ते बनेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, फायरी साइन है, फायरी राशि है और उसमें फायरी प्लैनेट बैठा होने की वजह से, ड्राई प्लैनेट बैठा होने की वजह से कई बार बच्चों को लेके बड़ी दिक्कत रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे हो नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ पे सूर्य एक रोशनी लेके बैठ गए, तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि ये समय आपको संतान प्राप्ति के लिए उत्तम समय होगा। आप कोशिश करें, मेडिकल सहायता लें, जो भी आपसे बन पाए भरपूर प्रयास करें, ब्लेसिंग भी ले सकते हैं आप, उससे बात बन जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान आपके घर में पीतल का दिया है, पीतल की ज्योत है, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इस चीज़ का आपने साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि वो इस चीज़ बच्चे की प्राप्ति में रुकावट दे सकती है। जो लोग कंसीव कर चुके हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि अच्छी डाइट लें ताकि अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को अपने अंदर ग्रहण करें, ताकि एक अच्छा हेल्थी बच्चा हो और अच्छे संस्कारों से युक्त हो, और आजकल मॉडर्न युग है तो उसी हिसाब से अपने आप को उसमें ढालें और बुरे विचारों से खुद को बचा के रखें। जिनके बच्चे हैं नो डाउट आपके बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं और इसमें मुझे कहीं भी कोई डाउट नहीं। और इसके अलावा मंगल भी अगर देखें तो आपके इस भाव से परिवर्तन लेते दिखा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि बच्चों के मामले में इस समय एक सुकून भरी खबर आपको आ सकती है, बच्चों की प्रमोशन, काम में तरक्की के योग भी साथ में बने हुए हैं, तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति। वही संबंधों की अगर बात करूं तो आपके गृहस्थ जीवन, आपके पार्टनर, आपकी शादी, क्या उसका लाभ दिखा, तो जैसे मैंने पहले कहा कि सेवंथ हाउस मर्करी डिवेलिटेटेड है, कमजोर स्थिति में है और ये स्थिति कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर आपको यकीन नहीं करना होगा। कुछ आपको कहते हैं आंखों देखी कानों सुनी गलत हो जाती है, तो आपको सेकंड ओपिनियन हमेशा रखना है। जो चीज़ आपके सामने आई है उसके लिए एक अलग से विचार आपको बनाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। आपको एक ही साथ दो तीन रिश्ते आ सकते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अभी किसको, कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं छोड़ना आप किसी को नहीं चाहते, शादी किसी एक से करनी होती है, तो यहाँ अपनी बुद्धिमता का, बुध ग्रह की बुद्धिमता का आपको ध्यान देना होगा। खाली शारीरिक सुंदरता जो है, चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। रिश्तों में ये कहूँगा कि आपके पार्टनर की हेल्थ इस समय के दौरान अच्छी रहेगी, आपको पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा और ये कहूँ आपके लिए गृहस्थ जीवन जो है इस समय सुकून भरा रहेगा। हालांकि बीच बीच में परिवार और परिवार के अंदर की परिस्थितियों को लेकर, स्थितियों को लेकर कुछ मुश्किलें भी आएंगी जो स्वाभाविक हैं, जहां दो बर्तन होते हैं वहां आवाज आती है, लेकिन
अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आप इन मामलों को सुलझा लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे, और आप इसमें बेहतर करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, यह समय आपके पिता के लिए विदेश यात्रा का समय हो सकता है, उनके लिए लाभ का समय हो सकता है, छोटी छोटी यात्राएं उनको करनी पड़ सकती हैं, साथ ही साथ हेल्थ के मामले में भी उनको टेंशन हो सकती है, हॉस्पिटल की यात्रा भी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहना होगा। अच्छे संबंधों को बनाकर रखें, बाद में फिर आदमी पछताता है, तो ये स्थिति कुछ ऐसी है। अच्छे रिलेशनशिप को हमेशा बनाए रखने में ही लाभ होता है। तो कुल मिला के रिश्तों की स्थिति जब हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों में बैलेंस करना होगा। अब मैं बात करूँ आपके सुख स्थान की, सुख स्थान की जब मैं बात करता हूँ तो आपके सुख स्थान में डिवेलगेटर मरकरी है और जुपिटर जो है उसके कारक है वो आपके लाभ स्थान में चले गए हैं। तो ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए, घर में परिवर्तन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट होना चाहते हैं, अपने घर के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत है तभी, यही नहीं कि खाली बैठे हैं तो बस पैसे हैं चार लगा लीजिए, भाई पैसे बहुत काम आते हैं, इसका ध्यान रखिए, किसी और जरूरत में आपके काम आ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं तो मैं करूँगा, मेरी बहन ने ऐसा कर लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर लिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर लिया, इस तरह से अगर आप डिसीजन लेंगे तो निश्चित तौर पे फिर मैं इसको बुद्धिमता की बात बिल्कुल नहीं कहूंगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, अच्छा प्रपोजल, अच्छी डील आपको मिल जाए, निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपके घर और गाड़ी के जो सिलसिले हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा और उसमें प्रगति होगी। गाड़ी छोटी नहीं, पहले से बड़ी मिल सकती है, उसका वर्जन हायर हो सकता है, तो लेटेस्ट गाड़ी हो सकती है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए एक अच्छी स्थिति दिखा रही है। जो लोग एजुकेशन में है, मैं कहूँगा कि एजुकेशन के मामले में आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन लेवल दिखाना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल कहीं कमज़ोर हो रहा है, इसको आप फोकस रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम है, कई जगह पे एग्ज़ाम हो चुके हैं, नई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो दुनिया भर में ये प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है। फिर मैं कहूँगा कि एजुकेशन के मामले में आपकी छोटी सी गलती, छोटा सा डिस्ट्रैक्शन, ये बड़ी कीमत आपको उसकी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए एजुकेशन के मामले में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको लाभ होगा। बात करूं अब आपके कारोबार, काम और धन की, तो मैं कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि मंगल और केतु की स्थिति होगी, धन पास में किया हुआ आपको लाभ होगा, लेकिन साथ ही क्या उसमें लाभ होगा, तो काम की स्थिति को जब मैं देखता हूं तो ये दिखाता है कि काम में मुश्किलें होंगी, आपको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस तरह से करना पड़ सकता है, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर होना मिल सकता है, लेकिन काम आपका जाएगा नहीं। साथ में ये एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। ये साथ में एक आपकी कुंडली में, आपके इस महीने की कुंडली में एक अच्छा योग मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका आपको पूर्ण पूर्ण लाभ जो है मिलेगा, और आप उसको बहुत अच्छी तरह से पिन पॉइंट करके चलेंगे और उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। अगर इंटरव्यू, जॉब, कंपटीशन जैसी स्थितियों की बात करूं तो वहां पे जो स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पे, जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली है, ये महीना आपके लिए अच्छा होगा, जॉब मिल जाएगी, आपने लोन अप्लाई किया रखा है, लोन अप्रूवल मिल जाएगी, आपने कोई एप्लीकेशन डाली है कि भाई हमें घर की एक्सटेंशन करनी है, उसके लिए परमिशन चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, निश्चित तौर पे कंपटीशन में विजय मिलेगी। पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग, इस समय पीले रंग का रुमाल अपने पास रखना, पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग करना आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, कारोबार की स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि यात्राओं का सिलसिला भी, छोटी यात्राओं का सिलसिला भी कहीं ना कहीं बना हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप सीधी मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो फेसबुक लाइव जो मेरा प्रोग्राम होता है हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से, वो आप देखना ना भूलें। मैं हर बुधवार रात को 8:30 से 9:30 लाइव होता हूँ यूके ऊपर, जहाँ आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, आपके किसी भी एक सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, और आपके अगले महीने की राशिफल के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।